हाय फ्रेंड, दिस इज दिलीप कुमार। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे हर वेबसाइट के लिए ऐड कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि आप या तो आप किसी एजुकेशन साइट पे जाओ, या पोर्न साइट पे जाओ, या कोई इलीगल ऑनलाइन मैच देख रहे हो, तो एड्स के पॉपअप इतने परेशान करते हैं आपको कि कुछ देखने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसके थ्रू आप मैजिक सीख सकते हैं, अलग अलग तरह की ट्रिक्स सीख सकते हैं उसमें, मैजिक ट्रिक्स। और उनके बाकायदा उनके थ्रू बताया जाएगा कि ये ट्रिक्स कैसे होती है रियल में। ओके दोस्तों, सो इससे पहले मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल से इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। ये प्रोजोन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ नीचे यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नए नए ट्रिक्स है और ट्रिक्स टिप्स इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और वीडियो के हर वीडियो के लास्ट में एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको आपके ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाके कोई टैब ओपन कर लीजिए। यहाँ आप कॉर्नर में देखेंगे यहाँ ऐप्स लिखा हुआ है, या तो आप यहाँ क्लिक करके चले जाइए गूगल गूगल वेब स्टोर में, या ये यहाँ मेन्यू में जाके सेटिंग में जाके भी आप जा सकते हैं। यहाँ एक्सटेंशन के लास्ट में यहाँ दिखेगा गो टू गेट मोर एक्सटेंशन। मैं यहाँ के थ्रू डायरेक्टली ये जा रहा हूँ। मैं यहाँ गूगल वेब स्टोर में पहुँच गया हूँ। और यहाँ आपको सर्च मारना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐप्स दे रखे हैं, एक्सटेंशन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा एड ब्लॉक। ओके, एड ब्लॉक पे क्लिक करते ही आपको ये जो ऊपर वाले हैं ये ऐप्स हैं, और यहाँ नीचे देखेंगे एक्सटेंशन। ऐप्स और एक्सटेंशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक्सटेंशन एक छोटा सा पार्ट होता है ऐप्स का। एड ब्लॉक, ये वाला जो एड ब्लॉक है ऑफर बाय गेट एड ब्लॉक डॉट कॉम के द्वारा ऑफर्ड है। यहाँ पे एड टू क्रोम कर लीजिए, ये और ये बिल्कुल फ्री वाला है। इस पे ना तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना होगा, लेकिन इसका कुछ स्कीम का हाँ ओके चेक ऐड टू ब्लॉक ऐड टू क्रोम में ऐड करने के बाद यहाँ एक्सटेंशन में कर लीजिए। ये यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 1 MB के आसपास इसका साइज है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया आपके एक्सटेंशन में, यहाँ क्रोम में ऐड हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये शो करा रहा है इसका कि इसने ऐड कर दिया आपको, और ये ऐड होते ही इसकी इसकी वेबसाइट पे चले जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके इसके बारे में और आप उसको जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में यहाँ जान सकते हैं। इसकी वेबसाइट ये ओपन हो रही है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वेबसाइट को पढ़ना है, क्योंकि ये इस पे चार्ज का और इसका सिस्टम बता रहा है कि आपको आप ज़्यादा टाइम के लिए ले सकते हैं इसे। हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लाइक हम जाते हैं W3 पे जाते हैं। W3 एक प्रोग्रामिंग लर्निंग साइट है। आप यहाँ देखेंगे अभी तो एड्स आ रहे हैं, लेकिन इसे थोड़ा ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। अभी ये प्रॉपरली जुड़ नहीं पाया है, एड ब्लॉक्स नहीं कर रहा है अभी तक ये। ये शायद 1 मिनट का ऐसा कुछ टाइम लेगा आपको। मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। दोस्तों आप देखेंगे कि ये एक्सटेंशन ऐड होने के बाद हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। लाइक जैसे पहले मैंने बताया था, क्योंकि इसमें लगभग 1 मिनट के आसपास ये टाइम लेता है कि इतने पूरी तरह उसको प्रॉपर सेट होने में। फिर इसके बाद आपको यहाँ बता देगा कि नंबर ऑफ एड्स कितने ब्लॉक किए हैं इस वेबसाइट पे। इस पेज पे इसने अभी तक 5 एड्स ब्लॉक किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसको ये एड ब्लॉक इस वेबसाइट पे काम नहीं करे, या इस पेज पे काम नहीं करे, तो
तो यहाँ पे डोंट रन ऑन दिस पेज पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा पेज और आप यहाँ पे एड शो होने लग जाएगा। सो ये केवल एक पेज के लिए या आप पूरी साइट के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। सो मैं किसी फॉन्ट साइट के बारे में बताऊं, नहीं, किसी दूसरी वेबसाइट के बारे में बताना चाहना बताता हूँ। कोई भी कर लीजिए, वो मैंने एक पेज के लिए किया था, अब मैं इसे दूसरे पेज पे ले जाता हूँ तो ये इस पेज पे अलाउ होगा क्योंकि यदि मैंने उस पे केवल उस स्पेसिफिक पेज के लिए ऐड किया था, उसे मना किया था। सो इस तरह आप अपने गूगल क्रोम पे आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आप अपने ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ बताता है। अब मैं जो बताने जा रहा था कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको एक मैजिक साइट पे ले जाऊंगा। वो मैजिक साइट है, मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख सकें। इस साइट का नाम है गुड ट्रिक्स नाम से ये साइट है, मैं उसे और जूम कर लेता हूँ, आप प्रॉपरली देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये goodtricks.net नाम से ये वेबसाइट है, इस पे इंटर मारिए। हाँ, ये बड़ी थोड़ी 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 ऑकवर्ड लगेगी साइट, क्योंकि बड़ी चूती सी साइट बनाई है इसने, थोड़ा ब्लैक ब्लैक। खैर, मैजिक का कलर भी ब्लैक होता है। तो फिर यहाँ आपको यहाँ नेविगेशन है इस साइट का, तो यहाँ पे भी आप अपने चूज कर सकते हैं कि मुझे किस किस तरह के मुझे मैजिक्स देखने हैं। मुझे कॉइन का या कार्ड का, किसी का भी देख लेता हूँ। मैं कार्ड्स का, फिर कार्ड्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारे मैजिक मिलेंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग उनके तरीके होते हैं। मैं कोई सा भी रेंडमली आप चूज़ कर सकते हैं, आप ही जो सीखना है। एंटी ग्रेविटी, यस। सबसे पहले इस वीडियो इसके एंटी ग्रेविटी कार्ड इसके बारे में लिखा हुआ गया है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे। फिर इसके नीचे इसने जाले ने ये एड कर रखा है, यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर सकता है, कर रखा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी आप किसी वीडियो पे यहाँ ओवर करेंगे तो यहाँ रेड हो जाएगा, यूट्यूब साइन आ जाएगा। तो यहाँ वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलो, ये वीडियो मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, ये कैसे काम करता है और कैसे है। तो ये वीडियो में आप प्रॉपरली देख रहे हैं कि ये हवा में पता कैसा जा रहा है। अभी इस साइड में पूरा एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे काम करता है। लेट्स लर्न द सीक्रेट टू दिस। सो आप इस पूरे वीडियो को देखें और अलग अलग तरीके के अब ट्रिक्स सीख सकते हैं, और जो आप मैजिशियन को देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, तो वो पूरा आप यहाँ इस साइट पे googltrick.net नाम की साइट है, इस पे आप पूरी तरह से सीख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ थम्स अप कीजिए, और यदि आपको ये ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। और ये इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है, तो या आपको कुछ सजेशन देना है, और या आपको कुछ कुछ भी आप सवाल चल रहा है आपके माइंड में, तो यहाँ लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।